हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों 2010 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर वेरोनिका जॉब्स ये बताती है कि जिस प्रकार कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी को मोटिवेट रखने के लिए हमें विल पावर की जरूरत होती है। और जिस प्रकार हम कार में एक लिमिटेड अमाउंट में ही पेट्रोल को भर सकते हैं, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में भी विल पावर एक लिमिटेड अमाउंट में ही होता है, जो बेवजह की गलत सलत चीजों में इस्तेमाल करने से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ही हम डीमोटिवेशन फील करने लगते हैं। दोस्तों तो अब होता क्या है कि जब हम एक अच्छी सी नींद लेकर सुबह उठते हैं, तब हमारा विल पावर का लेवल 100% होता है, यानी कि हम 100% मोटिवेट होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम दिन में एक के बाद एक काम करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा विल पावर इस्तेमाल होने लगता है एक पेट्रोल की तरह। और जब ये पेट्रोल खत्म हो जाता है, यानी कि हमारा विल पावर जीरो होने लगता है, तभी हम डीमोटिवेटेड और लो एनर्जी फील करने लगते हैं। मगर ये देखा गया है कि कई सारे लोगों का विल पावर दिन खत्म होने से पहले ही जीरो हो जाता है, यानी कि उनमें इतनी भी एनर्जी नहीं बचती कि वो पढ़ाई कर सके या एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके या फिर और कोई प्रोडक्टिव काम कर सके। वो उस लायक बचते ही नहीं है, क्योंकि उनका विल पावर, उनका मोटिवेशन जीरो हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अब सवाल ये आता है कि भाई क्यों कुछ लोगों का विल पावर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि कुछ लोग पूरा दिन मोटिवेटेड रहते हैं और अपनी जिंदगी को बड़े ही मजे से जीते हैं। तो दोस्तों ऐसी कई सारी रहस्यमय बातों को जानने के लिए मैंने द स्लाइड एज बाय जेफ ऑल्सन और 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ बाय स्टीव चैंडलर की बुक का इस्तेमाल किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों पहला रीजन साइकोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं कि जो लोग जरूरत से ज्यादा वीडियो गेम खेलते हैं, उन लोगों का विल पावर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। इसके पीछे का रीजन पता करने के लिए 2010 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिनमें 200 से भी ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिनमें ग्रुप ए को खेलने के लिए बढ़िया और मजेदार वीडियो गेम दिए गए, जबकि वहीं दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की किताबें और पेंटिंग करने का सामान दिया गया। और फिर 4 घंटे की एक्टिविटी के बाद जब दोनों ग्रुप को मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए गए, तो उनके रिजल्ट चौंका देने वाले थे, क्योंकि दोस्तों ग्रुप ए के 90% से भी ज्यादा लोग सिर्फ 30 मिनट में ही गिव अप कर चुके थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी के ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मैथ्स का प्रॉब्लम बहुत ही सटीकता से सॉल्व कर लिया था। और जब साइकोलॉजिस्ट ने इन दोनों ग्रुपों के मेंबर्स का इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, तब उन्हें ये पता चला कि ग्रुप ए के लोग जो 4 घंटे से सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम ही खेल रहे थे, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी और विल पावर गेम्स के लेवल को जीतने में ही इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से उनका विल पावर ऑलरेडी बहुत ही कम हो चुका था। इसी वजह से जब उन्हें मैथ्स के टफ प्रॉब्लम दिए गए, तब उनमें इतना मोटिवेशन बचा ही नहीं था कि वो पैशनेटली बैठकर मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसी वजह से उन्होंने बहुत ही जल्दी गिव अप कर दिया, जबकि वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी के लोगों ने सिर्फ हल्की फुल्की किताबें पढ़ी थी और पेंटिंग की थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग पूरी तरह से शांत था और उनका विल पावर भी बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ था। इसी वजह से जब उन्हें मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए गए, तब उन्होंने अपना पूरा विल पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को बहुत ही सटीकता से सॉल्व किया और सफलता को हासिल किया। तो दोस्तों ये सेम चीज हम सब के साथ भी डेली होती है कि हम भी अपना ज्यादातर विल पावर को वीडियो गेम खेलने में और उसे जीतने में इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी समय हमारे पास जरूरी काम करने के लिए विल पावर बचता ही नहीं है। इसी वजह से हम किसी भी काम में बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं और ऑलमोस्ट डीमोटिवेशन का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों विल पावर खत्म होने का अगला रीजन साइकोलॉजिस्ट YouTube को बताते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई YouTube कैसे हमारे मोटिवेशन को खत्म करेगा, क्योंकि भाई हम तो YouTube पे सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो ही तो देखते हैं, तो भला फिर हमारा विल पावर क्यों खत्म हो जाता है।
तो भाई मेरे जरा सोचो कि आप आज बाजार जाके एक बड़ी सी आटे की बोरी लेकर आते हो रोटी बनाने के लिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगले दिन आप फिर से बाजार गए और दो और नई आटे की बोरी लेकर आए, और फिर तीसरे दिन आप 10 और नई आटे की बोरी लेकर आ गए, और दिन ब दिन आप आटे की बोरियां लाते ही जा रहे हो। तो अब क्या होगी आपके घर की हालत, मैं बताता हूँ। आपका पूरा घर आटे से भर जाएगा, और जो कि आप जितना आटा लेकर आ रहे हो उतने आटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो अब होगा क्या कि धीरे धीरे वो आटा आपके घर में सड़ने लगेगा, और देखते ही देखते आपका पूरा घर सड़ जाएगा। अब मजेदार बात ये है दोस्तों कि एक्चुअल रियलिटी में भी कि हम भी कुछ इसी तरह की बेवकूफी यूट्यूब पे कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखी और तुरंत ही चार्ज्ड अप हो गए, मगर अब हमने उस मोटिवेशन या एनर्जी को कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं किया और डायरेक्टली दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। अब फिर वहां से भी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिला, मगर अब भी हमने उस मोटिवेशन का इस्तेमाल ही नहीं किया और फिर से डायरेक्टली तीसरा वीडियो देखने लग गए। यानी कि आप वही चीज कर रहे हो कि घर में सिर्फ आटे की बोरियां ही भर रहे हो, मगर उसका इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे, इसीलिए वो सारा मोटिवेशन बेकार चला जाता है और वो उस आटे की तरह ही सड़ने लगता है, क्योंकि आपने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया और उस महत्वपूर्ण एनर्जी को ऐसे ही बेकार चीजों में वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप फिर से जीरो लेवल पे आ जाते हो लो एनर्जी के साथ। तो भाई मेरे तुझे ये बात समझनी होगी कि नॉलेज को कंज्यूम करने से सफलता नहीं मिलती, नॉलेज का इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है। ठीक उसी तरह आपके पास कितना भी बड़ा मोटिवेशन का खजाना हो, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तभी पड़ेगा जब आप उस मोटिवेशन को प्रैक्टिकली एक डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे, तभी आपको मीनिंगफुल वे में रिजल्ट मिलेंगे, तभी तो आपकी किस्मत बदलेगी मेरे भाई, और तभी आप मोटिवेशन फील करोगे, नहीं तो आपका मोटिवेशन दिन ब दिन कम होता जाएगा। दोस्तों डीमोटिवेट होने का अगला रीजन साइकोलॉजिस्ट स्लाइड एज की अधूरी जानकारी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आधा घंटा टीवी देखो या आधा घंटा वॉक करो, तो क्या चूज करोगे आप? अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 3 साल पहले मेरे पास ऐसे दो ऑप्शन होते थे, तब मैं ये सोचता था कि क्या फर्क पड़ता है आधा घंटा टीवी देखने से या आधा घंटा वॉक करने से, क्योंकि आधा घंटा टीवी देखने से मेरी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना हो जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ आधा घंटा वॉक करने से मेरे सिक्स पैक एब्स थोड़ी ना बन जाएंगे। एक्चुअली में हम सभी लोग ऐसा ही सोचते है कि भाई ये छोटे छोटे डिसीजन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई सक्सेस तो बड़े बड़े डिसीजन से ही मिलती है ना, मगर भाई ये सच्चाई नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम सिंपल और छोटे छोटे प्रोडक्टिव एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रेगुलरली परफॉर्म करते जाते हैं, तो वो कंपाउंड होकर हमें एक बड़ी सफलता देती है, जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग एज इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि 1 साल तक आप डेली आधा घंटा टीवी देखने के बजाय बुक्स के 10 पेजेस पढ़ना चूज करते हो, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1 साल के बाद आप 15 से भी ज्यादा किताबें आसानी से पढ़ लोगे, जो कि एक्चुअली में आपकी लाइफ में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करेगी। मगर 99% लोग ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से वो कभी भी इम्पोर्टेंट नॉलेज को गेन ही नहीं कर पाते और ना ही अपने आप को सफलता के लिए काबिल बना पाते हैं, क्योंकि हम सब एक लंबी छलांग मारने की ही वेट करते रहते हैं कि एक दिन हम सडनली अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करके एक सक्सेसफुल और रिच इंसान बन जाएंगे और अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम को एक झटके में ही सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारी एक बेवकूफी भरी सोच है। रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता मेरे भाई। अब जरा आप ये सोचो कि अगर आप किसी अनट्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डायरेक्टली जाके ये बोलोगे कि भाई तो मुझे 10 दिन में एक व्हाट्सएप जैसी 250 एप्लीकेशन बना के दे, तो वो नहीं बना पाएगा। ठीक उसी तरह जब आप जाने अनजाने अपने बड़े से गोल को एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश करते हो या ऐसे सोच भी रखते हो, तो वो नहीं होने वाला, जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन डायरेक्टली जीरो होने लगेगा। आप लो एनर्जी फील करोगे, जो आपको मेंटली पैरालाइज कर देगा और जिसकी वजह से आप कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे और आप जाने अनजाने डीमोटिवेशन का ही शिकार बन जाओगे।
दोस्तों डीमोटिवेट होने का अगला रीजन साइकोलॉजिस्ट टॉक्सिक फ्रेंड को बताते हैं, यानी कि जहरीले दोस्तों को बताते हैं। एक्चुअली में न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट डॉक्टर डोनाल्ड हब ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में होने वाले हर एक एक्सपीरियंस, थॉट, फीलिंग्स और फिजिकल सेंसेशन हमारे ब्रेन के थाउजेंड ऑफ न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, जो सब एक साथ मिलकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं ताकि हम उस सेंसेशन को फील कर सके। इसी वजह से होता क्या है कि जब हम नेगेटिव दोस्तों के साथ रहते हैं, तब उनके नेगेटिव थॉट्स को हम भी फील कर सकते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है दोस्तों कि जब आपने बाहर किसी के भी नेगेटिव बात को सुनी और अपनी अंदर उतारी कि तुरंत ही हमारे अंदर भी वही सेम नेगेटिविटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी एंगर, पेन, दुख, दर्द ये सारी फीलिंग्स और सेंसेशन मौजूद है। मगर जैसे ही एक चिंगारी के रूप में नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर एंटर करती है कि तुरंत ही हमारे दिमाग में शांत बैठा ज्वालामुखी अचानक से भड़कने लगता है और वही नेगेटिविटी हमारे बॉडी में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और यही नेगेटिविटी हमारे पूरे मोटिवेशन को एक झटके में ही खत्म कर देती है। और जो कि आप रेगुलरली ऐसे नेगेटिव दोस्तों के टच में रहते हो, तो आप उस नेगेटिव थॉट्स का न्यूरल नेटवर्क को रेगुलरली यूज कर रहे हो, यानी कि अब हमारे दिमाग का नेगेटिव न्यूरल नेटवर्क ज्यादा मजबूत बनते जा रहा है, जिसकी वजह से आपको हर एक सिचुएशन में नेगेटिविटी ही दिखने लगती है और धीरे धीरे आपका मोटिवेशन खत्म होने लगता है और आप डीमोटिवेशन के शिकार बनते जाते हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरा काम था आपको सच्चाई बताना, अब आगे क्या एक्शन लेना है वो आपको डिसाइड करना है। आपको कौन सी चीज डीमोटिवेटेड फील कराती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं उस डीमोटिवेशन से बाहर निकलने के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।